और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आपको हर क्वेश्चन 100 में 100% हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। बस केवल आप पे डिपेंड करता है कि अब आप उसको कितना मेहनत करते हैं। कठिन से कठिन सवाल को इतनी शालीनता से, इतनी बेस्ट तरीके से बताया जाएगा कि एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं कह सकता है कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में हमें क्या करना है कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 9, 16 और हमारे पास है 4 ऑप्शन गिवेन है, हमें यह फाइंड आउट करना है कि तीनों डिजिट में जो रिलेशन आपस में आएगा, सेम वही रिलेशन एक गिवेन 4 ऑप्शन में से किसके बीच आ रहा है। अगर वह रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गया तो हमारा आंसर हो गया। जैसे आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5, 9 और 16। अब हमें देखना है कि इसमें रिलेशन क्या आ रहा है। हमने क्या किया कि यह फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है। हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। 9 माइनस 5 क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 4। अब यहाँ 16 है। अब 16 में से, अब इस थर्ड नंबर में से सेकंड को माइनस करें। 16 माइनस 9 क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 7। अब हमें देखना है कि ये गिवेन नंबर में किस अपने जस्ट नेक्स्ट आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करने के बाद किस ऑप्शन में फर्स्ट में 4 आना चाहिए और सेकंड में 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ गया, पर 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, या 9 में से 6 चला गया तो 3, तो यहाँ 4 आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, ए भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए, 11 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 4। हमने ऑप्शन सी को ले लिया। अगर यहाँ 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, हमने 11 में से 7 को माइनस किया, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 4। अब नेक्स्ट 18 दिया हुआ है, अगर 18 में से हम 11 को माइनस करते हैं तो क्या आ गया? 7। यानी ये जो दोनों क्राइटेरिया है 4 और 7 का, यह हमारा ऑप्शन जो सी है उसमें क्या करता है? मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। हमें बस यही देखना है कि जो रिलेशन हमारे गिवेन नंबर में आएगा वही रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप नोट डाउन कर लें, नहीं तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वन फाइव ट्वेल्व रिलेशन दिया हुआ है 7, 11, 35 ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी दिया हुआ है 4, 8, 24 10, 14, 44 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 9, 13, 42। ठीक है, अब मेरे को समझना है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें समझना है कि आखिर इसके बीच क्या रिलेशन आ रहा है। हमने देखा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि आगे वाले में से पीछे को माइनस कर रहे हैं 4 आ रहा है, 12 में से 5 माइनस कर रहे हैं 7 आ रहा है, पर इन लास्ट के दो नंबर में माइनस करने के बाद किसी में भी 7 नहीं आ रहा है, यानी यह इसमें
हमारा प्रोसेस सूट नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं। हमने 1 प्लस 6, 1 प्लस 5, क्या गया 6। अब देखिए यहाँ 12 है, तो अगर हम 6 में क्या करें कि हमारा 12 हो जाए, तो दो ऑप्शन है, 6 में 6 को प्लस कर देंगे या 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया 12। यानी पहले हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड नंबर को आपस में प्लस कर दिया, अगला नंबर आ गया। अब जो नंबर आया उसको अगर हम डबल कर रहे हैं तो थर्ड वाला नंबर आ जा रहा है। अब आप देखिए, हमने इस दोनों को प्लस किया, 11 प्लस 7 18 हो गया। अगर यहाँ 7 प्लस 11 है तो क्या हो गया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, तो यहाँ 35 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है, 4 प्लस 8 करते हैं तो कितना हो गया 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 24, यानी थर्ड हमारा क्या है 24। तो आगे हमें सोल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक छात्र को, हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर जिसको थोड़ा सा अगर वीडियो देखते इधर से उधर अगर नज़रें घूम रही हो तो आप इसको पॉज करके फिर बैक करके रिवाइंड करके आप देखना, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नोट डाउन आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 8, 56, 72। क्वेश्चन है 8, 56 और 72। ऑप्शन ए दिया हुआ है 7, 56, 63। 7, 56 और 72। ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, 15, 24। 3, 15, 24। ऑप्शन सी दिया हुआ है 6, 42, 6, 42 और 54। ऑप्शन डी दिया हुआ है 5, 30, 35। अब पूरे आप ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर हर टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रत्येक टाइप पे हम 10 से 15 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमसे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। आप पहले देखिए कि यहाँ 8 है, 56 है, 72 है, आखिर इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। हमने क्या किया कि पहले जो सेकेंड नंबर है 56 है और 72 है, या फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, हम सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56। अब हम क्या करते हैं, इस थर्ड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, 72 को 8 से, 8 9 जा 72। हमने क्या देखा कि हमने अगर फर्स्ट नंबर से सेकंड को डिवाइड किया तो 7 आया, फर्स्ट नंबर से ही थर्ड को डिवाइड किया तो 9 आया। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करने के बाद 9 आना चाहिए। अब आप सिंपल सा देखिए, देखने के बाद ही आपको तुरंत दिख जाएगा, ठीक है, कि 7 से इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 8 तो आ नहीं रहा है। 3 से 15 को करेंगे तो 5 डिवाइड आ रहा है, 5 तो है नहीं। 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन क्या बचा। अब आप 42 को 6 से डिवाइड कीजिए, ऑप्शन सी, 42 दिया हुआ है, 6 से डिवाइड किए,
सिक्स सेवन जा, कितना आ गया सेवन। अब 54 को 6 से डिवाइड कीजिए, 54 को 6 है, 6 नाइन जा 54। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं 7 आ रहा है, इसका भी सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड किया 9 आया, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका भी रिलेशन क्या था, फर्स्ट सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और थर्ड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमें पूर्ण विश्वास है प्रत्येक छात्रगण को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए आप इसको, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिख लिया इसको, नहीं लिखे तो पॉज करके आप लिख लेना। एक ही चीज करना है, किसी में मल्टीप्लाई करना है, किसी में डिवाइड करना है, किसी को प्लस करना है। तो ये जो टॉपिक है रीजनिंग में, ये हमको बहुत ही बेसिक चीज है, पर इसको हम ध्यान पूर्वक अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे नहीं, तो उतने कम समय में सोल्व करने में हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। हमें समझ में आए पर समय ज़्यादा लगे तब भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 16, 36 और 64। ऑप्शन ए दिया हुआ है 49144। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1600 256। ऑप्शन सी दिया हुआ है 25 49 और 121। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 9 81 169। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि हमारा कौन सा आंसर होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि आखिरकार जो क्वेश्चन दिया हुआ है या तीनों डिजिट के बीच में आपस में क्या रिलेशन आ रहा है। तो हमें देखने से लग रहा है कि सारे नंबर किसी न किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन से रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, जो रिलेशन इसमें आएगा वही रिलेशन इस गिवन फोर ऑप्शन में जिसके साथ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ 16 दिया हुआ है या 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 36 है या 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 64 है या 8 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर इस दोनों नंबर के बीच गैप कितना है। अगर 6 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो गैप कितना आ रहा है 2, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो कितना का डिफरेंस आया 2। अब थर्ड में से सेकेंड को माइनस कीजिए, 8 माइनस 6 कितना गैप आया 2। अब हमें एक एक करके सबको चेक करना है किसके साथ रिलेशन आ रहा है। पहला हमने देखा यहाँ 4 है, 4 यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ 9 है, 9 यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ 144 है यानी 12 का स्क्वायर। हमने जब सेकेंड में से इसको माइनस किया तो 3 माइनस 1 क्या आ गया 1, पर 12 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9। तो क्या इसमें तो सेकेंड में से ही फर्स्ट को माइनस किया तो 2, और थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया तो 2। यानी हमें एक चीज़ तो लग रहा है कि डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम का मतलब अगर यहाँ 5 आता तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, या जब इसमें 2-2 डिफरेंस आ रहा है तो ऑप्शन में भी 2-2 डिफरेंस आना चाहिए। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो ऑप्शन के नंबर में भी 2-2 का डिफरेंस आना चाहिए, या इसमें अगर दोनों का डिफरेंस केवल ही केवल 2 है तो अगला जो हो अगर उसमें 5 हो फर्स्ट में तो सेकेंड में भी 5 हो, अगर थर्ड में 10 हो रहा है तो उसका उसमें भी दोनों ऑप्शन क्या हो 10 हो। अब इसमें तो आ नहीं रहा है, अब हम थर्ड ऑप्शन को करेंगे। यहाँ 16 है, हमने 16 के लिए 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 100 है
यानी 10 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 256 है यानी 16 का स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6, 16। अब थर्ड में से सेकेंड को माइनस कीजिए, 16 माइनस 10 कितना आ गया, 6, यानी दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 6 6 6। यानी हमें यह पता लग गया कि इसमें भी अगर इसको भी आप चाहो तो चेक करके देख लो, अगर हमें दिया हुआ है 9 तो 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, अगर 81 दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर, और 169 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर। अब 9 में से 3 जाएगा कितना आ गया, 6, और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया, 4। तब भी दोनों का डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, यानी केवल ऑप्शन जो सी है इसी के स्क्वायर करने के बाद सेकेंड में से फर्स्ट घटाओ 6 और थर्ड में से सेकेंड घटाओ 6। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा। आप जब भी पढ़ें नोट डाउन करें और कॉपी और पेन से रिटेन करके प्रैक्टिस करें। सक्सेस होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें रिटेन प्रैक्टिस करना है, रिटेन प्रैक्टिस करेंगे सक्सेस होना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।